Hello students welcome to my youtube channel horticulture guruji today i will start one more subject of bsc honors agriculture which is hort 321 post harvest management and value addition of fruits and vegetable this lecture is helpful for third year students for their exam and also useful for competitive point of view then, without wasting time, start our first lecture Importance of Post Harvest Processing of Fruits and Vegetables. In this lecture, I will cover definition, present status, scope, and importance of post harvest technology. Let's start this topic Post harvest technology, post harvest management. बहुत आर सिमिलर टर्म्स दोनों ही सेम ही हैं कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कई बार उसको टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं जहाँ उस पोस्ट हार्वेस्ट उस चीज़ को मैनेजमेंट भी बोल देते हैं कि हार्वेस्ट के बाद उस चीज़ का प्रबंधन और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो चीज़ टेक्नोलॉजी में आ जाती है भाई कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है ठीक है सेम ही रहता है एक टर्म कभी कभी आती है बीच में वैल्यू एडिशन ठीक है वो मैं तुम्हें इसके बाद में बताता हूँ पहले अपने देख लेते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में भी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है ठीक है उसको आप हॉर्टिकल्चर भी लिख सकते हो कि हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है क्योंकि एक्चुअल में जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है अगर अपने फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर जाते हैं तो ये हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है अगर नहीं तो ये एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है पोस्ट हार्वेस्ट जिसमें जो अनाज वाली फसलें होती हैं उनके भी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिकेट करता है ठीक है उसमें अपने तो बस पढ़नी जो है अभी अपने सिलेबस वाइज है वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ओनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की है और कई बार क्या होता है कि जो फ्लोवर्स हैं मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हैं इनकी भी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होती है अपने उसको भी कवर करते हैं पर इसमें अपने अभी फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर फोकस करेंगे ठीक है दैट डील विद ऑल द ऑपरेशन राइट फ्रॉम हार्वेस्टिंग और इवन द प्री हार्वेस्ट स्टेज टिल द कॉमोडिटी रिसेज द रिसज द कंज्यूमर ये जो करती है इसके अंदर होता क्या है ये सारे के सारे जो ऑपरेशन होते हैं काम होते हैं हार्वेस्ट करने के बाद से कभी कभी तो ये प्री हार्वेस्ट भी होते हैं मतलब ये मान लो कि हार्वेस्टिंग से थोड़ा सा पहले भी जो ऑपरेशन किए जाते हैं जब तक कि वो कम्यूडिटी एक कंज्यूमर तक पहुंच नहीं जाती जब तक कि उसको खा लिया नहीं जाता तब तक कि जो भी उसके अंदर टेक्निक्स या ऑपरेशंस यूज होते हैं वो सारे के सारे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कह कहलाती है जैसे Uh, अपने ये कह लें कि आइदर इन फ्रेश फॉर्म्स जैसे दाने के रूप में कोई चीज़ पहुंची है गेहूं है इसमें वैसे कहीं मैंने कहा कि एग्रीकल्चर की तो इसमें गेहूं भी हो सकता है नहीं तो जैसे एप्पल रॉ पूरा का पूरा एप्पल पूरा फ्रेश फ्रूट टेबल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है मैंगोज है टोमेटोज है फ्रूट फूर, सीधा पहुँचना जो कंज्यूमर तक पहुँच रहा उसको सीधा कंज्यूम करना या फिर उसका प्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर जैसे उसका कोई जूस बना देना नेक्टर बना देना फ्लोर बना देना कैचअप बना देना ठीक है उससे कोई एक प्रोडक्ट बना देना चिप्स बना देना ठीक है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बेस्ट जो उसका वेस्ट है जो भी उसका कचरा है कह लो ठीक है उसका भी ढंग से यूटिलाइजेशन करना जैसे पील है छिलका होता है ऊपर से अब जब प्रोडक्ट बना रहे हैं चिप्स बना रहे हैं आलू का छिलका है मान लो जहाँ एप्पल का जूस निकाल रहे हैं जहाँ उसका जो भी लुगदी बची उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना सीड है स्किन सब है सबका ठीक है इन ए प्रॉफिटेबल माइनर जिससे कि अपने को लाभ हो इस प्रकार उसके वेस्ट का भी यूटिलाइजेशन करना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फरमेंटेड बिवरेज कलर एक्सट्रैक्शन पैक्टिंग एक्सट्रैक्शन एक्सट्रक्ट्रा यानी कि जो भी लुगदी बची ठीक है उसका फर्मेंटेड बिवरेज बना देना जैसे कोई एल्कोहलिक पदार्थ बना देना या उससे कोई कलर का एक्सट्रैक्शन कर लेना या उसमें से पैक्टिंग निकाल लेना मतलब ये मान लो कि आपने एक कॉमोडिटी मार्केट में भेजी ठीक है ग्रोवर ने एक ग्रो की मान लो कि उसने टमाटर ग्रो किए ठीक है, है उसके हर पार्ट का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि उसका कोई भी भाग वेस्ट ना हो वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है ठीक है और वो कंज्यूमर तक पहुंचने तक की जो भी प्रोसेस है मतलब उसको आपने पैक किया मान लो सॉस बनाई उसको पैक किया ठीक है उसके बाद उसको स्टोर करके रखा कुछ टाइम तक जब तक कि वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंची वो सारी की सारी प्रोसेस जो सारे ऑपरेशन पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आ जाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती हैं ठीक है मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ सारी सारी डेफिनेशन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में भी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद ऑल द ऑपरेशन राइट फ्रॉम हार्वेस्टिंग और इवन द प्री हार्वेस्ट स्टेज टिल द कॉमोडिटी रीचेज द कंज्यूमर आई इन फ्रेश ग्रीन एप्पल मैंगोज टोमैटो फ्रूट्स और प्रोसेस्ड फॉर्म फ्लोर, जूस कैचअप्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट पीस हीड स्किन एक्सेट्रा इन द प्रोफिटेल माइनर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ ऑफरमटेड विवरेज कलर एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन एक्सेट्रा चलो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ जैसे गन्ना है ठीक है मैं सिंपल वैसे एग्री उसमें वेजिटेबल में नहीं गया अभी क्योंकि वेजिटेबल में थोड़े एग्जाम्पल कम मिलते हैं तो मैं गन्ने के ऊपर जा रहा हूँ गन्ने में क्या होता है आपने ज़्यादातर सुना होगा कि गन्ने से शराब भी बनती है ठीक है और आजकल तो बहुत सी शुगर मिल हैं जो एनर्जी भी उसी से उसकी एनर्जी से ही चलती हैं जो भी उससे एनर्जी मिलती है उसके सूखे हुए शिलके से ठीक है तो पहला जो उसका प्रोडक्ट बना ठीक है शुगर दूसरा प्रोडक्ट बना जो भी उसका वेस्ट था या कचरा था ये कह लो उससे अल्कोहल जो फर्मेंटेड विवरेज हैं वो बने एल्कोल बन गया या उससे स्प्रिट बनाया जा रहा है या फिर उससे विनेगार बनाई जा रही है सिरका बनाया जा रहा है वो सारे के सारे प्रोडक्ट बने ठीक है।, है मतलब उसके बाद भी जो छिलका बच गया उसका जस्ट जूस निकालने के बाद जो बिल्कुल बच गया उससे भी वो प्रॉफिटेबल माइनर के अंदर यूज कर रहे हैं कि उससे मशीन चलती रहे उससे ये कि उसको वो भी बेकार ना जाए ठीक है इस प्रकार से जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती हैं तो वो सारी की सारी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी चलाती हैं एक होता है वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड कर देना उसकी वैल्यू को बढ़ा देना जैसे मान लो कि आपने एक एप्पल को ढंग से उसके अंदर वैक्सिंग कर दी उसकी पैकिंग कर दी वो आपने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया अब मार्केट में जाना एक वो ही एप्पल एक ढेर लगा के कोई बेच रहा हो रेडी के ऊपर लगा के और एक वही चीज़ आप डिब्बे के अंदर पड़ी हुई हो पैक की हुई अच्छे से उसके अंदर अच्छे टैग वैग लगा रखे हों तो ये मान लो कि आप खरीदोगे तो भी भले वो सेम वैरायटी हो कोई ख़ास अंतर ना हो ठीक है ना उसमें कोई उसने ग्रेडिंग की है क्योंकि ग्रेडिंग तो वैल्यू एडिशन में चला जाता है ग्रेडिंग करेगा तो, तो उसने ग्रेडिंग नहीं की क्वालिटी सेम है पर उसका प्राइस कम होगा जो रेडी पे बेच रहा है और जबकि उसमें आपने वैल्यू ऐड कर दी कि भाई उसकी पैकिंग कर दी अच्छी उसको सुंदर बना दिया देखने के लिए तो ग्रेडिंग कर दी तो उसकी कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी वो चीज़ वैल्यू एडिशन कहलाती है या उसने आपने कोई प्रोसेस प्रोडक्ट बना दिया जैम बना दिया किसी से जेली बना दी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उसकी वैल्यू को आपने बढ़ा दिया ठीक है वो चीज़ वैल्यू एडिशन कहलाता है नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन इन द वर्ल्ड टूडे इज़ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू अप्रोक्सीमेटली सेवन पॉइंट एट बिलियन पीपल्स ऑफ द प्लेनेट एक इम्पोर्टेंस कंसिड्रेशन है याद रखने वाली बात है कि जो अभी अपनी दुनिया की जो पॉपुलेशन लगभग सेवन पॉइंट एट बिलियन के आसपास है इससे ज़्यादा ही है ठीक है तो उसको फूड पहुंचा फूड एक न्यूट्रिशियस फूड मिल सके भाई उनको एक हर किसी को भोजन मिल सके ठीक है भोजन की कमी ना हो इंडिया हैज इमर्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ठीक है जैसे कि इंडिया पता ही अपने को एक सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा फल दूसरे नंबर पे फल और दूसरे नंबर की सब्जियाँ पैदा करता है विश्व के अंदर पहले नंबर पे चाइना आता है दूसरे नंबर पे इंडिया आता है जिसमें से ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी परसेंट ऑफ दिस हार्ड अर्निंग वैल्यूएबल गोज वेस्ट ड्यू टू इन एडिकुएट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कारण लगभग लगभग पच्चीस से चालीस परसेंट तक जो कमोडिटी होती है कोई फल है सब्जी है वो वेस्ट में चली जाती है ठीक है मतलब चालीस परसेंट अगर चली गए तो मतलब साठ परसेंट आप उसकी कीमत साठ परसेंट को ही बेचते हो साठ परसेंट ही कंज्यूम होती है और साठ परसेंट ही कोई प्रोसेस प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होती है जब मतलब खाई जाती है कह लो न्यूट्रिशन हैं जो बची चालीस परसेंट वो तो अपने खराब कर दी उसको तो हमने फेंक दिया किसी न किसी तरीके से उसको खराब हुई और वो खराब मिली मतलब उसकी कोई अपने को वैल्यू नहीं है उस चीज़ की ना तो उससे कोई पैसे मिले आपको ना ही वो न्यूट्रिशन के अंदर यूज़ हुई ठीक है पुअर यूटिलाइजेशन 1.8 पॉइंट परसेंट बाई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक पहुंची उसमें से हंड्रेड परसेंट में से पच्चीस से चालीस परसेंट तो खराब हो गई और वन पॉइंट एट परसेंट ओनली वन पॉइंट एट परसेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के पास पहुंची जो कि जिसने कि जैम बनाया कोई जूस बनाया जा नेक्टर बनाया या कोई आटा बनाया वो चीज़ ठीक है ये मान लो कि इतना बड़ा देश है अपना इंडिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा फल और सब्जियाँ उगती हैं मान लो सबसे ज़्यादा फल और सब्जियाँ उगती हैं और उसका भी 25 से 40 परसेंट तो वेस्ट कर रहा है जहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो रहा जिस प्रोडक्ट का और ख़राब हो जाता है वो गल जाता है और 1.8 पॉइंट परसेंट ओनली एक ठीक है 1.8 पॉइंट परसेंट जहाँ इसको कभी कभी कई किताबों के अंदर 1 परसेंट भी मिल जाएगा और किसी किताब के अंदर आपको ये 2 परसेंट भी मिल जाएगा कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होता है ठीक है कि प्रोसेस प्रोडक्ट बन रहे हैं क्यों ना वो पच्चीस से चालीस परसेंट भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाए जाए जहाँ फिर उसकी प्रॉपर हैंडलिंग की जाए कि वो खराब ना हो ठीक है तो वो चीज़ अपने आगे वाले टॉपिक में कवर करनी है अपने भाई कैसे उस चीज़ को बचाया जा सकता है इस कैसे इस कंडीशन से ओवरकम होंगे अपने तो मोर एवर देयर इज ए लिटल पॉइंट इन ग्रोविंग मोर इफ मच लॉस्ट मतलब अपने ज़्यादा उगाने का क्या मतलब जब अपने ज़्यादातर तो उसको वेस्ट ही करना है तो मतलब अपने कोई प्रोडक्शन बनाने को फायदा भी है क्योंकि अपने जो चीज़ अपने पास है उसको तो अपने संभाल नहीं पा रहे तो उसको बढ़, उगा बढ़ाने का क्या फायदा उस चीज़ का कि भाई उसका ज्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्शन करें ठीक बिसाइड क्वांटिटेटिव लॉस द प्रॉब्लम इज क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोड्यूस इज आल्सो सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर्स भाई एक यही प्रॉब्लम नहीं है कि भाई एक वहाँ तक वो क्वांटिटी में नहीं पहुँच पाता लोगों तक ठीक है ये नहीं कि भाई वहाँ पे वो मात्रा में नहीं पहुँच पाता ये भी प्रॉब्लम है कि वो उसकी क्वालिटी नहीं होती उसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो वो फुलफ़िल नहीं करता ठीक है क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव मिलाया होता है जो खाने लायक नहीं होता ठीक है या फिर उसकी जो क्वालिटी होती है वो मानक जो भी होते हैं स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके अनुसार नहीं है ठीक है ये भी एक अभी कह लो कि एक प्रॉब्लम है द होल सिनेरियो दिस रिफ्लेक्ट ए वेरी ग्लूमी ग्लूमी पिक्चर मतलब अभी भी एक दुख पिक्चर शो होती है अनलेस पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी गेट इट्स ड्यू रिकोग रिकोगशन एंड प्रॉपर ग्रोथ द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री कैन नॉट थ्रवाई जब तक कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं मिलेगा उसको प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तब तक हॉर्टिकल्चर जो इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगी फुलफिल नहीं हो पाएंगी मतलब ग्रोथ नहीं करेंगी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री भी ग्रोथ नहीं करेंगी ठीक है वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एट प्रजेंट इज़ वन फोर फाइव जीरो मिलियन मैट्रिक टन्स ठीक है जो वेजिटेबल और फ्रूट्स का टोटल प्रोडक्शन है विश्व के अंदर लगभग लगभग 1450 मिलियन मैट्रिक टन्स का है जिसमें से फ्रूट का है 6.5 6.48 मिलियन मैट्रिक टन्स और जिसमें से सब्जियां है 794.23 मिलियन मैट्रिक टन ठीक है इंडिया का भी अगर आपने बात करें तो लगभग लगभग लग विश्व का इंडिया लगभग फिफ्टीन टेन टू फिफ्टीन परसेंट तो फ्रूट प्रोड्यूस करती है और लगभग टेन परसेंट सब्जियाँ प्रोड्यूस करती है इंडिया ठीक है विश्व का तो ठीक है इतने ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं वर्ल्ड वाइड पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल लॉसेज आर एज हाई एज थर्टी टू फोर्टी परसेंट एंड इवन मच हायर इन सम डेवलपिंग कंट्रीज वर्ल्ड वाइड अगर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज की कैलकुलेशन की जाए कि लगभग लगभग तीस से चालीस परसेंट तक वो लॉस करते हैं जबकि कुछ विकासशील देश हैं जहाँ पे विकास चल रहा है वहाँ पे तो ये और भी ज़्यादा है ये लॉस ज़्यादा में जाता है रिड्यूसिंग पोस्ट हारवेस्ट लॉसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरिंग दैट सफिशेंट फूड बोथ इन क्वाल क्वान्टिटी एंड क्वालिटी इज अवेलेबल टू एवरी इन्हीबिटेंट इन दवर प्लेनेट मतलब ये है कि अगर अपने पोस्ट हारवेस्ट लॉसेज जो हो रहे हैं उनको रिड्यूस कर दें उनको कम कर दें तो इससे क्या होगा कि एक तो सफिशियंट फूड मिलेगा हर किसी को क्वालिटी मिलेगी और क्वान्टिटी में भी मिलेगा मात्रा में भी मिलेगा क्वालिटी भी मिलेगी मात्रा में मिलेगा ठीक है तो जो भी अबेबिलिटी है उसको अपने इनहिबिट कर पाएंगे मतलब उसको ख़त्म कर पाएंगे जितनी भी जरूरत है उस प्लेन अपनी पृथ्वी की खाने की पूर्ति रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करते हैं तो इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है ठीक है ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट भी कम हो जाती है मतलब उसको व्यापार में बिने में हमें इधर उधर भेजने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी भी कॉस्ट कम हो जाती है लोअर्स द प्राइस ऑफ द कंज्यूमर एंड इंक्रीज द फार्मर्स इनकम इससे कंज्यूमर तक वो सस्ती मिलेगी और फार्मर को उससे फायदा होगा ठीक है यानी कि मान लो कोई चीज आप कंज्यूमर तक तो वो ज़्यादा मात्रा मिले और तीस से चालीस परसेंट के भी अगर आपको पैसे मिले तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी दूसरे तरीके से वो कंज्यूमर तक सस्ते रेट में मिले क्योंकि उसको भी वो रेट को मतलब ऐड हो रहा है वो भी मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंच पा रहा है जो प्रोडक्ट अपने तीस से चालीस परसेंट वेस्ट में बेच रहे थे तो अवेबिलिटी बढ़ेगी वही मांग और डिमांड वाला डिमांड और सॉरी पूर्ति वाला आपका जो नियम है तो वो नियम लागू होगा तो अपने आप ही वो चीज़ का प्राइस डाउन हो जाएगा तो कंज्यूमर तक वो सस्ती पहुंचेगी बट इंडिया लॉसेज अबाउट थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ द प्रोड्यूस ड्यू टू इम प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया के अंदर लगभग तीस से चालीस परसेंट है प्रॉपर ना होने कारण पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ना हो पाने के कारण इंडिया वेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल वेरी एवरी ईयर टू द एनुअल कंजप्शन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इंडिया के अंदर जो वेस्ट होता है फ्रूट और वेजिटेबल का वो एक जो देश है कुछ और भी देश हैं छोटे शोट छोटे उनसे तो बहुत ज़्यादा है जैसे यूनाइटेड किंगडम जैसा देश है उसका जो एनुअल कंजन है एक साल का जो जितना उसमें फ्रूट की ज़रूरत है उतना तो अपने वेस्ट कर देते हैं इंडिया उतना ज़्यादा वेस्ट कर देता है तीस से चालीस परसेंट के अंदर जितना उसका यूटिलाइजेशन है इसके अलावा रिडक्श अपने अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस पहली है रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज रिडक्शन मतलब उसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज के अंदर रिडक्शन करना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इंश्योर रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट पोस्ट रिडक्शन ऑफ लॉसेज इन वट हैज ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड मतलब जो भी आपने पहले से प्रोड्यूस कर रखा है उसको आ, उसमें जो लॉस होना है उसको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी रिड्यूस को कम कर देती है मतलब आपने मान लो कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर अपने बहुत ज़्यादा पैदा करने के ऊपर जोर दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं जब अपने उस चीज़ को संभाल ही नहीं पा रहे तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने का क्या फ़ायदा मैंने ये भी बात कही थी तो वही चीज़ है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होती हैं वो उस लॉस को कम करती हैं सो रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इज़ एन अल्टरनेटिव वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रोप्स तो अगर अपने उस रॉस को कम कर दें तो इससे अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा एक अल्टरनेटिव तरीके से ठीक है ये कह लो कि अगर अपने उस चीज को भी यूटिलाइज कर रहे हैं तो ये फार्मर की इनकम बढ़ना या उस चीज़ का मार्केट में ज्यादा मात्रा में होना उसी को तो अपने ग्रोथ कहते हैं कि भाई उसका बढ़ी वो चीज ठीक है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ा नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भाई जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की ठीक है यानी कि अपनी लागत है उसको रिड्यूस करना फार्मर लेवल पे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होती हैं वो प्रोडक्शन की जो लागत होती है उसको कम करती हैं यानी कि जैसे पैकेजिंग है स्टोरेज है ट्रांसपोर्टेशन है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन सब की जो कॉस्ट होती है उसको लोअर डाउन कर देती हैं मान लो कि आपने एक चीज़ को पैक करना था आपने उस चीज़ को ढंग से पैकेजिंग नहीं की आपने सीधा उसको गट्टों में कट्टों में भरा और ट्रॉली में डाल के भेज दिया इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा वहाँ तक पहुँचेगा नहीं ढंग से और वो लोडिंग ढंग से नहीं होगी तो आपका बहुत ज़्यादा सामान ये कह लो कि उसमें जगह नहीं होगी कट्टों में रखने की मतलब आपने उसको ढंग से नहीं रखा तो हो सकता है वो ट्रॉली पहले ही भर जाए तो आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा आपको एक ही सामान को ले जाने के लिए दो ट्रॉलियों की जरूरत पड़ेगी वही चीज़ अगर आपने उसको ढंग से क्रेट के अंदर रखा है या फिर आपको उसको आ, किसी बॉक्स के अंदर आ, जो कार्टून बॉक्स होते हैं कार करोगेटेड फार बोर्ड वाले उनके अंदर रखा है तो आप उस चीज़ को क्या कहते हैं कि आ, बहुत ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जियां एक ही ट्रॉली के अंदर या ट्रक के अंदर आप लोड कर सकते हो ठीक है स्टोरेज के अंदर भी ऐसा ही होता है प्रॉपर अगर आपने ढंग से उसके अंदर क्रेट्स के अंदर रख के स्टोर किया है जहाँ एक ढेर लगा दिया है तो उसमें भी अंतर रहता है कि आप स्टोरेज के अंदर जो खर्चा कर रहे हो उसमें भी आपका बचाव होगा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी यही रहता है मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही रहता है कि आप उस कॉस्ट को कम से कम कर पा रहे हो कि उसके अंदर आप उस चीज़ को ढंग से नियंत्रित कर रहे हो ठीक है तो इससे क्या होगा लोअर इज द प्राइस ऑफ द कंज्यूमर इससे क्या होगा कि प्राइस जो होगा लोअर तक कंज्यूमर तक पहुँचेगा वो कम हो जाएगा और इससे फार्मर की इनकम भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो सारे के सारे प्रोडक्ट वो एक तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचा पा रहा है और जिसमें कम से कम लॉस हो रहा है उसका वेस्ट जा रहा है कोई प्रोडक्ट तो उसकी इनकम बढ़ेगी नेक्स्ट है रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग अवेबिलिटी ऑफ सफिशेंट फूड टू ऑल दस रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन एंड इंश्योरिंग हेल्थी ग्रोथ ऑफ द नेशन मतलब अगर अपने माल न्यूट्रीशन होता है किसी ना किसी चीज़ की कमी हो जाना शरीर के अंदर तो इस चीज़ से भी वो कमी को भी पूर्ति करता है पोस्ट हार्वेस्ट इंश्योर करता है कि भाई ये चीज़ ना हो क्योंकि वो अपने पूरे देश के अंदर सस्ती मात्रा सस्ती जो चीज़ है एक तो भाई सारी की सारी अगर आपने कोई चीज़ ख़राब नहीं की तो उस चीज़ को हर लोग हर आदमी तक वो पहुंच पाएगा जिससे कि प्राइस में कम प्राइस में भी मिल जाएगा कोई गरीब है तो वो भी उस चीज़ को खरीद पाएगा ठीक है जिससे अवेबिलिटी बढ़ेगी मार्केट में तो माल न्यूट्रिशन वाली यानी कि कई बच्चे कमज़ोर रहते है हैं कोई विटामिन उनको नहीं मिल पाता कोई न्यूट्रंट नहीं मिलता फल और सब्जियाँ ऐसे ही मल विटामिनस और न्यूट्रेंट के अंदर फुलफिल होता है इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है रिच होती हैं कैलो ठीक है तो वो उन तक पहुँचेगा तो उनमें माल न्यूट्रिशन वाली समस्या नहीं रहेगी ठीक है और देश एक हेल्दी देश बन जाएगा जिसमें सारे के सारे स्वस्थ होंगे इट इज़ आल्सो एक्सटेंड द सीज़न ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी अगर अपने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं जहाँ ये कह लो कि सारे के सारे प्रोड्यूस को आपने अगर आपका हंड्रेड परसेंट है उसमें से आपने लगभग लगभग लग नाइन्टी फाइव से नाइन्टी नाइन परसेंट तक आपने प्रोड्यूस को सेफ रखा हुआ है तो उससे अबेबिलिटी भी बढ़ेगी अवेबिलिटी मतलब मान लो कि मेरे पास कोल्ड मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे पास कोल्ड स्टोरेज वाली उस टाइम फैसिलिटी ना होती मान लो तो मेरे पास सेब का एक और चार्ट होता और मैं सेब को क्या करता कि भाई एक बार मार्केट में आया मैंने मार्केट में धकेल दिया सारा मेरा बिका नहीं कुछ मैंने अपने पास रख लिया मेरे पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है और मुझे पता भी नहीं कि कैसे करना है इसको कैसे स्टोर करके रखना है तो वो चीज़ एक बार मार्केट में आई लगभग दो तीन महीने का सीज़न होता है सब सेब का तो दो तीन महीने तक तो मार्केट में खूब चली उसके बाद जब ज़रूरत थी लोगों को जब लोग बाद में भी तो ख़रीदते रहते हैं पर तब तक वो उनको मिलेगा नहीं वो मेरे पास से तो ख़राब हो गया क्योंकि मैं उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये कह लूँ कि मैं उसका प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग नहीं कर पाया उसको प्रॉपर स्टोर नहीं करके रख पाया अगर मेरे पास यही टेक्नोलॉजी होती तो मैं उसको साल भर अवेलेबल कर पाता जैसे अभी भी मार्केट में आप देख लेना टमाटर है कोकुम्बर है सेब है ये साल भर आपको मार्केट में मिलते रहेंगे खाने के लिए ग्रोविंग सीज़न तो दो या तीन महीने का ही होता है ठीक है हर फल सब्जी का यानी कि वो दो सीज एक सीज़न के दो या तीन महीने तक की तुड़ाई होती है और मार्केट में आता है पर वो साल भर मिलता रहना जैसे केला है केला भी मिलता रहता है वो चीज़ तो इससे क्या होगा कि पूरे सीजन के अंदर जब कह लो कि अपने उस सीज़न को एक्सटेंड कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं कि कॉमोडिटी वो साल भर उस चीज़ मिलती रहे ठीक इसके अलावा इकोनॉमिक लॉसेज रिडक्शन रिड्यूस द इकोनॉमिक एट ग्रोवर लेवल ड्यूरिंग मार्केटिंग एंड कंज्यूमर एंड जो इकोनॉमिक लॉस होता है मान लो कि मेरी कोई कम्यूनिटी खराब होगी तो मुझे लॉस होगा इकोनॉमिक लॉस होगा क्योंकि मैं उस चीज को बेच ही नहीं पाया ठीक है कोई इंसेक्ट लग गया कि उसमें कोई बीमारी आ गई पड़े पड़े प्रोडक्ट के अंदर ही मेरे अभी घर पे ही है तो मैंने उसको खराब कर बैठा जब मैं उसकी अच्छी से हैंडलिंग कर पाया तो वो खराब हो गया तो मुझे लॉस तो इकोनॉमिक लॉस तो किसान को ही होगा जो ग्रोवर है या फार्मर है उसको होगा वो लॉस को भी रिड्यूस करता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इसके अलावा अवेबिलिटी हैड देयर बी नो नॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एप्पल वुड नॉट हैव एवर रिसे केरल ठीक है बनाना इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर टुडे यानी कि अगर अपने को नॉलेज ना होती पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की तो जो एप्पल हैं वो कश्मीर केरल तक ना पहुंच पाते और जो केले हैं वो हिमाचल प्रदेश या फिर कश्मीर तक नहीं पहुंच पाते यानी कि इतनी लंबी दूरी तक भी वो ट्रेवल हो जाते हैं बिल्कुल सेफ सेम क्वालिटी के अंदर अगर अपने को पता ही ना होता प्रॉपर हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का तो वो चीज़ संभव ना हो पाती कि भाई कैसे उस प्रोडक्ट को किस स्टेज पे तोड़ना है कैसे उस चीज़ को ट्रीट करना है कि उसकी जो राइपनिंग वाली फेज़ है जहाँ उसको अपने डिले कर पाएं कि इतनी दूर तक वो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो सकें या कैसे उसको स्टोर करके रखें कि वो वहाँ तक पहुँच जाए कॉम्योडिटी जब तक कि वो पके ठीक है इतनी दूर तक पहुँच पाना अवेबिलिटी ठीक है इसके बाद टुडे वी कैन गेट पैरिशेबल कॉमोडिटीज लाइक बनाना टोमेटो एक्सेट्रा थ्रू आउट द ईयर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन द कंट्री लगभग टमाटर है केले हैं ये साल भर आपको मिलते रहेंगे यानी कि इतनी ज़्यादा पेरिशेबल कमेडिटी है कि जो केला होता है आप घर के अंदर रख के देख लेना ज़्यादा से जा तीन या चार दिन बाद वो ओवर राइप होके गलना स्टार्ट हो जाएगा टमाटर भी ऐसा ही होता है पर वो साल भर मार्केट में उपलब्ध रहता है ऐसा तो नहीं कि वो साल भर उगा उगाया जाता रहता है केला टमाटो तो चलो कुछ इसकी किस्में हैं तो ये उग जाता है जो ग्रीन हाउस है इनके अंदर भी इसकी कल्टीवेशन होती है पर बनाना की तो नहीं होती वो साल भर उपलब्ध रहता है मतलब वो कुछ ना कुछ तरीके से उसकी जो कल्टीवेशन है भले उसको चेंज कर रहे हों कुछ भी कर रहे हों वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आ जा आ जाता है कि भाई आपने उस चीज़ को कैसे उसकी इनकम अपनी बढ़ा सकें उसका कैसे यूटिलाइजेशन पूर, पूरी की पूरी कमोडिटी का कर सकें ठीक है इसके अलावा एप्पल कैन मेड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट क्रॉपिंग सीजन इज़ जस्ट फॉर टू टू थ्री मंथ्स मैंने जैसे अभी तक पहले भी बताया था कि दो तीन महीने का ही होता है क्रॉपिंग सीजन पर वो साल भर मिलते रहते हैं द इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव बिकम पॉसिबल ओनली द इंटरविजन मेड इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब एक्सपोर्ट को भी अपने ये कह सकती हैं कि जो एक्सपोर्ट को बढ़ता है एक्सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है जहाँ किसी तरह से किसी देश के अंदर अपने फल और सब्जियाँ बेचते हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है अपने पास तो ही अपने उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे कि पता है कि जितनी भी एग्रीकल्चर कह लो कि कोई भी कंपनी है ठीक है वो एम्प्लॉयमेंट देती है वैसे ही पोस्ट आर्वेज टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी कंपनियाँ जहाँ कह लो कि उनकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं वो भी लोगों को रोज़गार देती हैं ठीक है लगभग जो द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन लाख पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडिया लगभग अगर जो वैसे तो ये पुराना डाटा है लगभग लगभग पंद्रह लाख पर जो लोग हैं उनको जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो रोज़गार देती हैं इंडिया के अंदर और ये रोजगार देने के अंदर पहले नंबर पे आती हैं एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन सेक्टर इज़ टू बी वेरी हाई रोज़गार देने के अंदर वैल्यू एडिशन और पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं मतलब ये देती हैं पोटेंशियल भी है ठीक है एवरी वन करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इज़ द ऑर्गेनाइज सेक्टर जनरेट वन फोर जीरो जीरो परसेंट पर ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगभग चौदह सौ लोगों को ये रोज़गार देती है अगर एक करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर कोई फैक्ट्री लगाई जाती है जहाँ कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाती है तो लगभग चौदह सौ लोगों को वो रोज़गार देती है और अगर छोटी स्माल इन, आ, स्केल इन्वेस्टमेंट वाली आपकी यूनिट है लगभग लगभग एक हज़ार पचास लोगों को वो भी इन्वेस्ट आ, एक इंडस्ट्री काम देती है जिसमें कम आपका खर्च हुआ है इसके अलावा द सी एस आई यानी कि स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट यूनिट्स इन फूड इंडस्ट्री एम्प्लॉयड लगभग लगभग फोर लाख एटीन थाउजेंड पर्सनस कंट्रीब्यूटिंग थर्टी परसेंट ऑफ द एस एस आई यूनिट्स एम्प्लॉयड लगभग लगभग चार लाख अस्सी हज़ार लोगों को आज तक रोजगार दे चुकी है या दे रही है ठीक है ये चीज़ फिर है एक्सपोर्ट अर्निंग एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश एंड प्रोसेस्ड ओर्डिकल्चर कॉमोडिटीज़ आल्सो अट्रैक्टिव वैल्यू ऑफ फ्रोजन एक्सचेंज अगर आपने किसी चीज़ को फ्रेश कमोडिटी को फ्रेश मार्केट में बेच रहे हैं फ्रेश जैसे कोई आम जा रहा है अपना या फिर मान लो कि प्रोसेस प्रोडक्ट है जैसे उसका जूस जा रहा है कोई आम पापड़ बना के बेच रहा है उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये विदेशी मुद्रा को आ, अपने देश में आती है मतलब इससे कि वह अपने उसको एक्सपोर्ट करते हैं अपने को विदेशी मुद्रा मिलती है ठीक है तो इस प्रकार भी ये इम्पोर्टेंट है इसके बाद डिफेंस एंड एस्ट्रोनॉट रिक्वायरमेंट डिफेंस होता है जो फौज है जो डिफेंस का काम करती है इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो ट्रेवल करते हैं इसके अंदर स्पेस के अंदर ट्रेवल करते हैं यानी कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो वो चीज़ ठीक है तो डिफेंस फोर्स पोस्टेड इन रिमोट बॉर्डर एरिया एज वेल एज आस्ट्रोनोट हु ट्रेवल इन टू स्पेस हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ रेडी टू ईट एंड हाई एनर्जी लो वॉलीम फूड मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो फौजी हैं जहाँ वहाँ लोग बॉर्डर पे तैनात हैं जहाँ पे खाना बनाने का उनके पास टाइम नहीं है जहाँ फिर ये कह लो कि उनको जो ज़्यादा एनर्जी वाला फूड होता है कि भाई जो रेडी हो बस खाया और उससे एनर्जी भी उनको अच्छी मात्रा में मिल जाए कम मात्रा में खाना पड़े और एनर्जी उनको ज़्यादा मिल सके जहाँ ये कह लो कि जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ऐसे तो यानी कि वो अपने जो प्लेन है उसके अंदर फल सब्जियों से लाद के ले जाएंगे वहाँ तो उनको दो साल भी रहना पड़ सकता है तीन साल भी रहना पड़ सकता है तो वो इसको आ, क्या कहते हैं कि पाउडर फॉर्म में या फिर इसके कोई कैप्सूल या इसके जो कंसनट्रेटेड होते हैं एल्कोलोइ्स उनको निकाल के लेके जाते हैं अपने साथ कि जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको एनर्जी मिल सके और उनको वॉल्यूम कम से कम लेके जाना पड़ सके मतलब वेट में उसके फल सब्जियाँ ऐसे नहीं कि क्वेंटलों में उठा के लेके जानी पड़ेंगी वो पैक्ड फूड को लेके जाते हैं जिससे उनके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके ठीक है तो ऐसे जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही बनते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ही बनते हैं जैसे मान लो कि ये कुछ एग्ज़ाम्पल नीचे पिक्चर में दे रखे हैं जैसे ब्लैक बीन्स हैं ये सारे के सारे पैक्ड हैं एक तरीके से ग्रीन को ही इनने कैनिंग कर दी है इनकी ठीक है तो कैंड प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे इससे एक तो अवेलेबिलिटी भी बनी रहती है साल भर आपने उस चीज़ को जब जगलर था मार्केट के अंदर उस टाइम उसका प्रोसेस प्रोडक्ट बना दिया उसको डिब्बा बंदी कर दी अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो दूर बैठे हुए बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए फौजी लड़ रहे हैं उनको रेडी टू ईट वाला फूड है ये भाई बस नखोला उन्हें डिब्बा खाया और उनको एनर्जी मिली ऐसे नहीं कि पहले उसको पकाएंगे फिर उसके बाद उनकी सब्जियां जहाँ उससे बाहर से सब्जियां आएंगी और पकेंगी फिर उसके बाद वो खाएंगे तो ऐसा नहीं ठीक है इसके अलावा इन्फेंट एंड स्पोर्ट प्रिपरेशन इन्फेंट होते हैं बच्चे ठीक है टुडे स्पेशल इन्फेंट एंड स्पोर्ट ड्रिंक्स एंड अदर प्रोसेस्ड प्रिपरेशन आर अवेलेबल फॉर यूज स्पेशली बाय दोज पीपल दीज प्रिपरेशन आर डन स्पेशली टू मीट द स्पेसिफिक न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट फॉर देयर बॉडी अगर अपने स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो उनको uh, ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है कभी 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 क्या होता है कि ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है ठीक है तो उनकी फुलफिल के लिए या तो कोई ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ठीक है जो कि जैसे मान लो कि अभी आता है मार्केट में प्रोटीन एक्स आता है जहाँ कोई भी ऐसी सेरेलेक है जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनके लिए भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो फ्रूट और उसमें वेजिटेबल डाले जाते हैं टुकड़ों के अंदर काट के जिससे कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके शरीर की ठीक है पाउडर फॉर्म के अंदर आते हैं बस घोला और खा लिया वो चीज़ तो जैसे सैरेलेक आता है आपने कई बार बच्चों को खिलाया भी होगा छोटे बच्चों को देखा भी होगा छोटे बच्चे सेरेलेक का जहाँ फिर मार्क उसमें ऐड देखी होगी टीवी के अंदर कि इसको खिलाओ इसमें ये है ये है उसमें स्मॉल क्वांटिटी में फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होती हैं वो एडेड होती हैं ठीक है इसके अलावा जो आपकी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं या फिर कोई आ, उनकी कैलोरीज़ के लिए या फिर उनकी क्या कहते हैं कि प्रोटीन के लिए जो शेक्स बनाए जाते हैं वो भी फ्रूट और सब्ज़ियों के ही बने हुए रहते हैं उनके अंदर वो ही उनके ही इंटीग्रेडियट डाले जाते हैं थैंक यू